वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे ओडीए मुकाबले में इमामुल हक ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आईसीसी का अचानक बड़ा फैसला, इमामुल हक ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। इस हवाले से मुकम्मल अपडेट्स जानने के लिए इस रिपोर्ट को आखिर तक देखें। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी ओडीए मुकाबला आज खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान टीम की जानिब से इमामुल हक और फखर जमान ने ओपनिंग का आगाज किया, तो फखर जमान 48 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हुए और इमामुल हक 68 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक ने आज लगातार 7वीं हाफ सेंचुरी बनाकर बड़ा एजाज भी अपने नाम कर लिया है। इमामुल हक वो दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 7 हाफ सेंचुरियां बनाई। इस फहरिस्त में जुवेद मियांदाद लगातार 9 हाफ सेंचुरियां बनाकर पहले नंबर पर हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक ने आज 62 रन बनाकर ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली से दूसरी पोजीशन भी छीन ली है। याद रहे कि इमामुल हक को सीरीज से कबल सिर्फ 16 रेटिंग पॉइंट्स दरकार थे। इमामुल हक ने पहले दो वनडे मुकाबलों में भी शानदार बैटिंग का मुजहरा किया था। ओडीआई रैंकिंग में बाबर आजम इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं।